क्या मुंह का इस्तेमाल करने से, क्या पीछे करने से, क्या खुद से करने से, ये सब चीज़ें क्या गर्भवती कर सकती है एक महिलाओं को या नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में इस वीडियो में खुल के बात करूंगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेकर के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि वो चीज़ें गर्भ अवस्था करती हैं, लेकिन असल में वो चीज़ें गर्भ अवस्था नहीं करती हैं। तो क्या है ऐसी चीज़ें, बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है अगर आप बहुत लंबे समय तक किस या हक करते हो, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी टाइप की हो, कितने भी लंबे समय तक हो और कितने ही ज़्यादा हो, तो उससे आप कभी भी गर्भवती नहीं होंगी अगर आप एक महिला हैं। और अगर आप एक पुरुष हैं, तो अगर आप करते हैं तो आपकी महिला साथी उससे गर्भवती नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के अंदर जो सलाइवा होती है, जिसको आप नॉर्मली थूक बोलते हैं मुँह का, वो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उसके अंदर कभी भी महिला का अंडा या फिर पुरुष के शुक्राणु मौजूद नहीं होते, इसीलिए वो गर्भ अवस्था कर ही नहीं सकती है। ओके, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप ये चीज़ें खुद के साथ खुद करते हैं, अकेले करते हैं, चाहे उसमें आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, तो आप कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा गर्भ अवस्था के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है, पुरुष का भी और महिला का भी, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें होती है जो महिलाओं से आता है अंडा और जो पुरुषों से आता है शुक्राणु, वो दोनों मिलकर ही हमेशा बच्चा बनाते हैं। तो जब दो चीज़ें मौजूद ही नहीं होंगी तो बच्चा कभी भी नहीं बन सकता है। तो अगर आप अकेले हैं तो कभी भी आप गर्भवती नहीं हो सकते उस कंडीशन में। उसके बाद एक अगली चीज़ आती है कि जब भी आप संबंध बनाने से जुड़ी हुई प्रक्रिया कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप जब भी कपड़े पहन के वो चीज़ें कर रहे हैं, जब भी एक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो कभी भी जो महिला साथी है वो गर्भवती नहीं होगी। ओके, उसके बाद अगली चीज़ आती है, मुंह का इस्तेमाल करने से भी महिला साथी जो है वो गर्भवती नहीं होगी, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर जो शुक्राणु है वो जा कर के अंडे से मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, गर्भाशय में होती हैं, और जो हमारा मुँह है उसका कभी भी कनेक्शन उससे नहीं होता है, तो वो भी आपको गर्भवती नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है पीछे करना, पीछे करने से भी कभी भी महिला गर्भवती नहीं होती है, क्योंकि पीछे की चीज़ें भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि क्या होता है, पाचन तंत्र होता है, जिसके अंदर क्या है, इंटेस्टाइन वगैरह हैं आगे जाकर, लेकिन गर्भाशय से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब तक वो चीज़ें जो शुक्राणु है पुरुष से महिला के अंदर गर्भाशय में नहीं पहुँचेंगे, तब तक जो महिला है वो गर्भवती नहीं हो सकती, तो वो भी महिला को गर्भवती नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ ऐसी एक ना टॉपिक से कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में। एक होता है कि कोंडम का इस्तेमाल करना, आप सब जानते हैं कि कोंडम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एक तो गर्भावस्था से बचने के लिए और दूसरा हम करते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम इन्फेक्शन से बचें और उसके लिए कोंडम का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये गर्भावस्था से भी बचाता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो शुक्राणुओं को महिला के शरीर के अंदर जाने ही नहीं देगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, और अगर ये आपका टेंशन का विषय है कि जो महिला है वो गर्भवती नहीं हो रही और साथ साथ आप कंडोम भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं होगी, वो ही एक रीज़न है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि कुछ महिलाएं क्या होती हैं कि वो ऐसी दवाइयों पे होती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, मतलब कि जो गर्भ अवस्था को रोकती हैं, तो वो दवाइयाँ जो होती हैं वो मतलब डायरेक्टली वो इस यूज़ के लिए नहीं ले रही हैं कि वो गर्भ अवस्था से बच सके, वो किसी बीमारी के उस पर ले रही हैं, लाइक कोई भी हार्मोन की दिक्कत है उसकी वजह से हार्मोन से रिलेटेड दवाइयाँ उनको दी गई हैं, जिनके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो ऐसी हैं जो गर्भावस्था से रोकती हैं। तो अगर आप कोई भी दवाई ले रही है लंबे समय से और आप ट्राई कर रही हैं गर्भवती होने की और नहीं हो पा रही है, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर को मिलना चाहिए और उस दवाई के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि मैम और सर मैं ये दवाई ले रही हूँ, क्या इसका कोई रिलेशन है, क्योंकि बहुत जो महिलाएँ होती हैं वो इस दिक्कत से आती हैं कि वो बहुत लंबे समय तक गर्भवती नहीं हो पा रही और वो क्या कर रही हैं, साथ साथ वो ऐसी दवाइयाँ ले रही है जो उनको गर्भवती होने ही नहीं दे रही, तो वो दिक्कत उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो ये जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो से कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी ऐसा लगा जो आप नहीं जानते थे वो आपको जानने को मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने पार्टनर के साथ बैठकर ज़रूर देखिएगा, उनको शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।